एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ऊपर से आ रहे हैं मम्मा। काफी टाइम हो गया है आप लोगों से इस तरह से बात किए हुए, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। दूसरी बात, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी तो हमेशा याद रखें, जिंदगी में टाइम कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है, वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। दूसरों की कही हुई बुरी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर कर दें, यही जिंदगी का फंडा है। इसको रखें हमेशा शांत और रखें फ्रेश, रहें कूल एंड काम, कि यही है हमारी पूरी बॉडी का आधार। एनीवेज, जिसने भी इंस्टाग्राम पे हमारी पिक्स देखी हैं मेरी और मॉम डैड की, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मम्मा पापा के साथ एक व्लॉग बनाया जाए, तो चलिए आज के व्लॉग में करते हैं उनको शामिल। बने रहिए मेरे साथ पूरे ब्लॉग में। दीज गाइज आर नॉट पार्ट ऑफ आर कंपनी, तो हॉस्पिटल में सब लोग थोड़ी जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव एनी टाइम? एक्सक्यूज मी मम्मा, आप कूड़े की बॉडी लेके कहाँ जा रहे हो? कूड़ा डालने। कूड़े की कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन एनी मोर। ये जैस्मिन का थर्ड सेट है ईयरफोन का, जो मिस्टर स्टफी ने आज फिर से तोड़ दिया है। स्टफी, इट्स वेरी बैड, ओके? लुक एट मी, स्टफो, क्या किया ये? ये क्या है? ये क्या किया? तेरी पिटाई करनी है किसी दिन। गंडू, गंडू, गंडू। अब मैं जा रही हूँ पापा और मम्मा के साथ गरेवाल आई इंस्टीट्यूट सेक्टर 9, क्योंकि कल पापा का कैटरिक का राइट आई का ऑपरेशन हुआ था और आज उन्हें री चेकअप के लिए बुलाया गया है। मैं भी हर बेटी की तरह अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ, सो जितना भी टाइम वो मेरे पास होते हैं या मैं उनके पास जाती हूँ, आई रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम, क्योंकि पेरेंट्स की बातें और उनकी गाइडेंस हमेशा हमारी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन देती है। आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैंने इतना पॉजिटिव रहना कहाँ से सीखा, तो ये सब मेरे पापा की देन है, क्योंकि माय फादर इज़ अ वेल एजुकेटेड एंड अ जीनियस पर्सन, और उनके साथ हर सिटिंग में मैंने हमेशा कुछ नया सीखा है। इस हॉस्पिटल में मम्मा और पापा दोनों की आईज़ का ऑपरेशन पहले भी हो चुका है और इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, इसीलिए इतनी दूर से ट्रीटमेंट के लिए वो यहीं पर ही आना पसंद करते हैं। चेकअप करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम जल्दी ही फ्री हो गए और अब हम जा रहे हैं घर वापस। हमारे घर वापस आने तक मेरी मदर इन लॉ ने लंच ऑलमोस्ट रेडी कर रखा था, दाल और राइस रेडी थे, बस रायता बनना बाकी था जो मैंने आके बनाया। रायते के लिए भी उन्होंने पुदीना, धनिया और ग्रीन चिलीज का पेस्ट रेडी करके रखा था, बस कर्ड और लौकी ऐड करके मैंने भी फटाफट रायता बना दिया। माय मदर इन लॉ इज़ वेरी सपोर्टिव पर्सन, इस एज में भी वो कभी रेस्ट करने के बारे में नहीं सोचती, उन्हें बस काम करते रहना ही पसंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक काम करते रहेंगे बॉडी एक्टिव रहेगी, एक बार बैठ गए तो अपनी बॉडी संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंकिंग। इस बार मेरी वीडियो लेट होने का रीज़न बहुत हद तक स्टफ़ी रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। हुआ ये था कि एक्सीडेंटली हमारा गेट प्रॉपर लॉक नहीं था और सडनली ये घर से बाहर निकल गया और तेज़ आती हुई एक कार ने इसे हिट किया। कोई भी मेजर इंजरी तो नहीं हुई, थैंक्स टू गॉड, बट उसकी बॉडी में 3-4 जगह चोट लगी और इस पेन और शॉक की वजह से 4-5 दिन तक उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अब गेट के पास जाने से भी डरता है। उसकी रिकवरी और उसे शॉक से बाहर लाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। कार को देख के तो अभी भी बहुत डर जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने उसे फिर से वॉक पर लेके जाना शुरू किया है। Yes, jump. Yes, now sit. Very good. You're not going to get anything. Come on, ladies. Come on, fast. Go, 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 go.
नखरे करते हुए चलती हैं लेडीज। मिस यूनिवर्स बस यही किया कर और कोई पोज नहीं आता देखो बनाना। इवनिंग टाइम में हम लेडीज ने प्लान किया किसी शॉपिंग मॉल में टाइम पास करने का। हम तो पेट पूजा करके ही जाएंगे, लेकिन घर के मेल पर्सन्स और स्टफी का डिनर मैं बना के आई हूँ ताकि बिना किसी और का सोचे हम फ्री माइंड से इंजॉय कर सकें। मेरी मदर और मदर इन लॉ का रिलेशन सिस्टर से कम नहीं है। दोनों को कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो वो बिना थके घंटों बैठ के गॉसिप कर सकती हैं, और घर पे जब भी मैं उनको गॉसिप करते हुए देखती हूँ तो मेरा स्टेटमेंट फिक्स होता है, शुरू हो गया बहनों का प्रोग्राम, जिसे हम लोग पंजाबी में कहते हैं भैणा द प्रोग्राम। हम बीकानेर में आए हैं गोलगप्पे खाने। पानी पूरी तो खाई, लेकिन पानी पूरी खाने का जो मज़ा स्टॉल पे खड़े होके आता है वो इस तरह से नहीं आता। मुझे याद है कॉलेज के वो दिन जब हम लोग पानी पूरी खाते वक्त कंपटीशन किया करते थे। फन सिटी में फ़न गेम्स खेलते हुए अपने बच्चों को तो हमने कई बार देखा है, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स भी ऐसी गेम्स को इंजॉय करते हैं तो अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से निभा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। गाइज, अपने पेरेंट्स को कभी भी कॉर्नर मत कीजिए, बल्कि उन्हें हमेशा अपने साथ एंगेज रखने की कोशिश करें, यही ट्रूली वर्शिप है। यस यस्मीन, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम द फर्स्ट हैंडल। या यू आर द फर्स्ट हैंडल। वन सिटी में गेम्स खेलते हुए टाइम का पता भी नहीं चला, और फिर आई बारी पेट पूजा करने की। दोनों मदर्स की फरमाइश सेम थी कि उन्हें चाट पापड़ी खानी है। तो ये है रबड़ी जलेबी और रबड़ी, और यहाँ पे है पापड़ी चाट, और ये जैस्मिन का फेवरेट, बताओ। वाफल। और ये है मेरा, ये मैडम ने पैक करवाया है सिज़लर। नो जैस्मिन,
No, Jasmine, you shouldn't eat it. Jasmine, no. Jasmine, no. How dare you, Jasmine? सो नाउ इट्स फोटो शूट टाइम. रात के 10 बज गए और पता भी नहीं चला. बहुत मस्ती की क्योंकि ये लेडीज़ डे आउट था जिस पे जेंट्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी. तो मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.